अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार ट्राइफल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए ये मैंने जेली को कटिंग कर लिया है। ठीक है, इसे इस तरह से हम कर देंगे ताकि ये इसके पीसीस अलग अलग हो जाएँ। देखें, बहुत अच्छी क्यूब्स में ये मैंने कटिंग की है। इसके लिए मज़ीद हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखाती और बताती हूँ। एप्पल मैंने लिए हैं 2 अदद और खजूरें मैंने ली हैं 3 अदद, जिन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। 6-7 हमें बादाम की गिरियाँ चाहिए और किशमिश को मैंने वॉश कर लिया। 2 अदद चाहिए मुझे कप केक मैंने ले लिए हैं और इन्हें रैपर से मैंने निकाल लिया। सबसे पहले एक बाउल लेना है हमने, उसमें हमने किशमिश शामिल कर देनी है। थोड़ी सी किशमिश डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एप्पल फैला के। ठीक है, ऐसे। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने बनाया है वनीला कस्टर्ड। इसे अब हम डालेंगे इसके ऊपर। अब हम ना ये जो मैंने कपकेक लिए हैं इसे इस तरह से हम डाल देंगे। इस तरीके से आप ट्राइफल बना के खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्राइफल बहुत मज़ेदार कस्टर्ड की रेसिपी मैंने नहीं दी, सिंपल मैंने 1 किलो दूध में 1/2 कप मैंने लिया था कस्टर्ड का, और जैसे कस्टर्ड बनाते हैं सिंपल तरीके से, वो मैंने बना के इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया। इसके ऊपर फिर से थोड़े से एप्पल डालेंगे, और इस स्टेज पे ना खजूर थी ये सॉफ्ट वाली, खजूर को हमने एक जगह पर नहीं डालना। कटिंग तो मैंने इसको क्यूब्स में किया है, लेकिन ये सॉफ्ट थी तो ये चिपक गई है इस तरह से। फैला के एक जगह पे ना रहे। बनाना जेली शामिल कर देंगे और आप अपनी मर्जी के जैसे मर्जी क्यूब्स ले सकते हैं। मैंने चकोर में काटे हैं। अफ्तारी में बहुत मज़ेदार ट्राइफल है ये। आज मेरा क्रीम चाट बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलें आज ट्राइफल बनाते हैं। इसके बाद हमने मैंने ये लिया फ्रेश क्रीम का पैकेट। कुछ पता नहीं है कि चीनी कैसी है कस्टर्ड में, लेकिन मैंने अंदाजे से ही सब कुछ काम चला लिया, क्योंकि फ्रूट भी मीठा है और जेली भी मीठी है। इस तरह से हमने ऊपर शामिल कर देना है, एक लेयर और लगा देनी है इसकी कस्टर्ड की। इसके ऊपर फिर से हम ये केक लेंगे, फिर से डालेंगे एप्पल, खजूरें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं इसमें। अगर आप फ्रूट कॉकटेल डालेंगे तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। स्ट्रॉबेरीज़ और अंगूर अगर इसमें जाएं वो भी बहुत मज़े का लगेगा। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी रोज़ा रख के, वैसे ही हस्बैंड्स को बंदा कह नहीं सकता कि कोई चीज़ ला दें, ड्यूटी से आके तो सोए हैं। और किशमिश
बताएं कि आपको मेरी आज की ट्राइफल की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।